अपने खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छोपरी कहीं एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का आप लोग। हम ना कछु तो सोच रहे थे कि हमा ससुर जी और सासू जी का जब झगड़ा होता है ना, तो ससुर जी ऐसे रोमांटिक रोमांटिक गाने गाते हैं ना, का बताएं। और ऊपर से इतने लोग इकट्ठे करके रखते हैं ना, और हमा ससुर जी तो इका है ना, हमा हाथ के मावे के लड्डू इतने फेमस है ना, का बताएं। एक तो ससुर जी खाते रहते हैं, ऊपर से मोहल्ले वाले आते जाते सब उनके पास जाएंगे और मावे के लड्डू खा। हम ना आपको का बताएं, हर तीन दिन में हमको तीन चार चार किलो ना लड्डू बनाने पड़ते हैं। वो कहा है ना, हमारी अम्मा कहती है कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, माँ मैया धन्यवाद, इतना आशीर्वाद दिया आपने, तो खुशी होती है ना। हर कोई है ना हमारे ससुर जी के आएगा पास बाजू में, उनके कहा है ना एक कुर्सी रखी हुई है, वो ऐसे आगे पीछे वाली कुर्सी नहीं होती है, तो वो पे लेट जाएंगे और ऊपर से वो उसे नहीं ना ऐसे करते हैं, वो हेडफोन पहन लेते हैं फिर सोते रहते हैं। हमको तो समझ नहीं आता कि जगे हैं कि सोए हैं, वो यही बात है। और मावे के लड्डू ऐसे आँख बंद करेंगे और ऐसे मावे के लड्डू खाते जाएंगे, तो हम तो समझ नहीं आते। मोरी मैया ये भी एक अद्भुत टैलेंट है, क्या कहते हो दर्शक लोग, हम तो बहुत बोल लिए। अब जो विवेक रंजन जी है ना, लता जी के बारे में कछु कहे हैं, तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं आपको क्या खबर है। विवेक रंजन अग्निहोत्री का कहना है कि लता दीदी ने पिछले साल कश्मीर फाइल्स के लिए गाने के लिए हामी भरी थी, लेकिन अब यह सपना रहेगा। लता मंगेशकर के निधन की दुखद खबर से पूरा देश काफी निराश हुआ। मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण महान गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सोशल मीडिया पर नाइटेंगल ऑफ इंडिया के लिए श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई और फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी खुलासा किया कि कैसे लता मंगेशकर ने पिछले साल मार्च में उनकी आगामी फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए एक गाना गाने के लिए अपनी हामी भरी थी। उन्होंने कहा, कश्मीर फाइल्स में कोई सॉन्ग नहीं है, यह एक दुखद एपिक ड्रामा है, लेकिन यह नरसंहार और पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि भी है। मैंने वास्तव में एक कश्मीरी गायक का एक लोक संगीत रिकॉर्ड किया था और हम चाहते थे कि लता दीदी उसे गाए। उन्होंने फिल्मों के लिए गाना बंद कर दिया था और सेवानिवृत्त हो गई थी, लेकिन हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। वह पल्लवी के करीब थी और वह हमारी फिल्म के लिए गाने के लिए तैयार हो गई। कश्मीर उनके दिल के बहुत करीब था और उन्होंने कहा कि वह कोविड के कम होने के बाद गाना रिकॉर्ड करेंगी। उन्हें भी स्टूडियो में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम उनके साथ रिकॉर्ड करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसा होता है, उनके साथ काम करना एक सपना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में नया था तो मैंने एक शो किया था और लता दीदी सेट पर आते थे। आज आप अभिनेताओं और गायकों को सितारों की तरह व्यवहार करते देखते हैं, लेकिन यहाँ लता दीदी सबसे बड़ी स्टार थी, फिर भी इतनी सरल और पारंपरिक थी। जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि वह आपकी माँ जैसी हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी अपना करियर शुरू किया है, तो उन्होंने मुझसे कहा, आपके और इतनी आप में बहुत प्रतिभा है, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो निसंकोच मुझे बताएं। और इस इंडस्ट्री में 20-25 सालों के बाद मैंने कभी किसी को भी इतना सहज महसूस कराते हुए नहीं देखा, कभी भी कॉल करने के लिए आजीवन प्रतिबद्धता की पेशकश यह करते हुए नहीं देखा। यह सच है कि वह बेहद सुलभ थी। का हो गया छोट की, का है हमारे ससुर जी को परेशान करते हो, तुमको समझ में नहीं आता है, उम्र हो गई है ना, परेशान नहीं करो, और कर रही हो तो थोड़ा अच्छे से करो, हमको सुबह से परेशान कर रहे हैं वो। अब का बताए हैं, अब बुढ़ापा आ गया है तो नहीं है, अभी हम कछु कह लिए ना तो हमको का कर रही हो, हमको कहोगी, आते हैं हम अभी, अब दर्शक लोग जाते हैं, हमको बोलती है कि आओ इधर, हमको बोलोगी, अब बताते हैं, हम जाते हैं, दर्शक लोग फिर से आते हैं लेकर खबर जयराम जी की।